सॉल्व करने की कोशिश करो। ये देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस 2. दिया हुआ है 2.5 वोल्ट ऑफ सेल, एक सेल है ये प्लस माइनस 2.1 वोल्ट, ठीक है, विच इज गिवन करंट, कुछ करंट दे रहा है थ्रू ए रेजिस्टेंस 10 ओम। चलो एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं यहाँ पे 10 ओम का। ये कहता है इसका, इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है प्यारे बच्चों, इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी, यहीं लगा देता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और यहाँ से करंट आई दे रहा है, करंट आई 0.2 एम्पीयर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आर की वैल्यू निकालना है। तो ये एक बैटरी है, एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और करंट भी दे रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। तो करंट आई की वैल्यू क्या होती है, करंट आई होती है नेट ईएमएफ वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो करंट आई नेट ईएमएफ 2.1 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बोलो, ये 10 का और ये 10 का, तो 10 प्लस आर, और करंट ये दिया हुआ है 0.2 एम्पीयर। ये फाइनली तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 0.2 आर आ जाएगा और ये 0.21 आ जाएगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 0.2 आर और 2 घट जाएगा तो 0.1, पॉइंट ने पॉइंट को खत्म कर दिया मतलब 0.5 आ जाएगा, इतना ओम, 1/2 मतलब 0.5, दैट इज डी ऑप्शन सही है। तो आसान क्वेश्चन था ये। कहता है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब देखो एक वायर है हम लोगों के पास, ये प्यारे बच्चों इसकी, इस वायर की जो लेंथ है कुछ एल है, और जो नया वायर बनाया गया, ये जो नया वायर बनाया गया 4 times L बनाया गया, L1 स्ट्रेच कर दिया गया, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है इसका, ए डैश हो गया, ठीक है। ए वायर ऑफ, इसकी रेजिस्टेंस 4 ओम थी, रेजिस्टेंस आर थी, ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, आर डैश की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर ट्वाइस, नहीं नहीं ये ट्वाइस किया, डबल किया यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये डबल कर दिया है, तो ये डबल कर दिया, दैट इज ये 2L है, तो ये 2L, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये 2L है और ये L है, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, अगर डायरेक्ट फार्मूला ये है कि R डैश की वैल्यू N स्क्वायर R होती है, N स्क्वायर R, तो डबल किए हो तो 2 स्क्वायर और रेजिस्टेंस एक्चुअल में 4 है, तो 4 दैट इज 16 ओम इसका फाइनल सोल्यूशन है, 16 ओम। ये नहीं समझ में आया, इस रिलेशन को याद कर लो, n टाइम्स किसी वायर के लेंथ को n टाइम्स बढ़ा देते हैं प्यारे बच्चों, n टाइम्स, तो n स्क्वायर और एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो भाई पहले एक इक्वेशन लिख लो, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो एल अपन ए दैट इज इक्वल टू 4 ओम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अगर इसका रेजिस्टेंस लिखोगे तो इसका रेजिस्टेंस आर डैश, रो चेंज नहीं होगा, एल डैश एरिया क्रॉस सेक्शन ए डैश, एल डैश आपको पता है पहले से 2 times L है, ए डैश आपको निकालना पड़ेगा एरिया क्रॉस सेक्शन, इसका वॉल्यूम इक्वल होता है भाई, 1 kg का था 2 kg का थोड़ी हो जाएगा, इसका मास इक्वल होगा, तो वॉल्यूम V1 बराबर V2, तो पहले वाले की एरिया क्रॉस सेक्शन लेंथ L और दूसरे वाले की L डैश और एरिया क्रॉस सेक्शन A डैश, इसकी लेंथ 2L हो गई, एरिया क्रॉस सेक्शन A डैश, तो A डैश की वैल्यू आ जाएगी A/2, ठीक है। तो अगर A/2 मैं यहाँ रखूँगा तो रो 2 times L और A/2 2 ऊपर गया, दैट इज 4 टाइम्स रो एल ए, और रो एल ए क्या है, रो एल ए एक्चुअल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू 4 है, तो 4 multiplied by 4 दैट इज 16, फाइनली हमारा सोल्यूशन आ गया। तो ये दोनों मेथड, ये जो है स्मार्ट तरीका था, ये स्मार्ट मेथड है, डायरेक्ट कर देगा अगर रिजल्ट याद है, और बाकी ये थोड़ा लेंदी है।